हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट विक्रम शर्मा मुकेरिया में। जैसे कि दोस्तों आपको बताया, मेरे चैनल पे हर वो चीज़ जो आपको नॉलेज दे, जो आपको एजुकेशन दे, जो आपको चाहते हो कि नई एजुकेशन मिले, हर चीज़ हर नॉलेज वाली चीज़ वो आप इस चैनल में मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों पहले ही सीरीज़ एक स्टार्ट हो चुकी है लोन की। मैं कार लोन, न्यू कार और यूज़ कार लोन के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आज ये दो तीन लोन और बचे हुए हैं, जिसमें आता है आपका पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन और एजुकेशन लोन, सारे काफ़ी सारे लोन हैं। उसमें से दोस्तों मैं सबसे पहले आपको आज दो लोन लेके आऊँ जो आपको नॉलेज दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वन शॉट में आपको मैं बताऊंगा, आप बैंक वाले आपका चक्कर नहीं लगाएंगे कि ये लेके आओ, कभी ये लेके आओ। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, आप जो एक हफ्ते में काम होगा, आपको कभी बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, कभी पैन कार्ड लेके आओ, कभी आधार कार्ड लेके आओ। तो आप दोस्तों मैं एक शॉट में बता दूंगा आपको, वो एक दिन में आप इकट्ठे करके 2 दिन में, दो की एक ही दिन में आपका लोन हो जाएगा। किसी भी बैंक में जाओ, यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। और चाहे आप सैलरीड हो, सैलरीड के लिए पर्सनल लोन अगर आपने लेना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए, जिसके नाम पे लोन है, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, वो कंपलसरी है। उसके अलावा आपकी यहाँ सैलरी आती है, वो सैलरी की बैंक स्टेटमेंट, किसी भी बैंक में हो उसकी बैंक स्टेटमेंट। और उसके अलावा आपकी सैलरी, तीन सैलरी स्लिप चाहिए, 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की तीन सैलरी स्लिप चाहिए। उसके अलावा आपकी एक फोटोग्राफ चाहिए, ओके दोस्तों। और अगर फॉर्म 16 है या ITR, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ये चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट है, ये पर्सनल लोन के लिए चाहिए। और EMI उसी बैंक से कटेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है, चेक उसी बैंक के आपको देने पड़ेंगे। ये चीज़ें का ध्यान रखना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, और उसके अलावा आप दे सकते हो जिस उसी बैंक के चेक लगेंगे जिसमें आपकी सैलरी आती है, फॉर्म 16, ITR। सिर्फ ये पर्सनल लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन के लिए जो बिजनेस करते हैं, शॉप है, बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा इंडस्ट्री है, बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, तो उसी के रिगार्डिंग में ये भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ। ये वन शॉट में आप यही लेके जाओ तो आपको ये बैंक वाले बार बार चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि तो बिजनेस मैन वैसे ही बिजी होता है, क्योंकि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जिसके नाम पे भी लोन लेना बिजनेस है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो KYC चाहिए चाहिए हर लोन में। उसके अलावा ITR 2 साल की, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल की। उसके अलावा आपको चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 साल का कंटिन्यूटी प्रूफ चाहिए कि आपको 5 साल बिजनेस करते हो गए। उसका प्रूफ है कि आपको 5 साल पुरानी ITR चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए आपको 5 साल पुरानी। अगर आज लोन लेने जा रहे हो, 5 साल पुरानी वही बनता है कंटिन्यूटी प्रूफ कि आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हो। और मिनिमम जो इनकम है वो 60 लाख होनी चाहिए। और बैलेंस शीट चाहिए, CA टेस्टेड, बैलेंस शीट CA टेस्टेड चाहिए, GST रिटर्न चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, GST रिटर्न, 2 साल की ITR। उसके अलावा बैलेंस शीट मिनिमम मिनिमम 60 लाख की होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो भी कंटिन्यूटी प्रूफ है 5 साल का, वो दोस्तों वो चाहिए। ये यही डॉक्यूमेंट हर बैंक में आपको यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, चाहे वो पर्सनल लोन के हो। पर्सनल लोन के मैंने पहले बता दिए, बिजनेस लोन के मैंने अब बताए हैं। आपको दोबारा एक बार रिपीट करना हो, दोबारा आप वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो मेरे से पूछना हो, कि कार लोन की मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ, न्यू कार, ये दोस्तों भी मेरी वीडियो सुनने के बाद ध्यान से सुनना, ये सुनने के बाद आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको वन शॉट में ये जो है आपका लोन मिल जाएगा, चाहे आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हो। ओके दोस्तों, और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो किसी भी तरह भी, ये भी आपकी डिमांड के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना, इसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ एग्रीकल्चर लोन और एजुकेशन लोन, ये भी वीडियो आने वाली है दोस्तों। तो शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और अच्छी लगेगी आपका वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू।